everyone. Today I'm going to tell you about a story of importance of study in a student's life. I like this story and I accept that you also like this story. So I'm going to start this story. काफी समय पहले एक राजा जंगल में जाता है. उस समय बहुत बरसात का मौसम था. उस समय यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कब अचानक बारिश हो जाए, और तभी अचानक बारिश हो गई और राजा अपने सिपाहियों से अलग हो गया. थकावट और भूख के कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. उन्होंने एक पेड़ देखा और वहाँ विश्राम करने बैठे, तभी उन्होंने देखा कि 3 बालक उनके सामने खेल रहे थे. उन्होंने अनुमान लगाया कि वह बच्चे शायद बहुत गहरे दोस्त होंगे. उन्होंने उन 3 बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? फिर उन बच्चों ने कहा, जी हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए. फिर राजा ने कहा कि मुझे आप थोड़ा सा भोजन और पीने के लिए पानी ला दीजिए. बच्चे तुरंत अपने घर गए और थोड़ा सा भोजन और पीने के लिए पानी लेकर आए. राजा ने सब कुछ पिया और खाया और फिर बोला, अब ये समय है कि मैं आपकी कुछ इच्छा पूरी करूँ. फिर पहले बालक से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है. फिर पहले बालक ने कहा कि मुझे सिर्फ धन चाहिए, जिससे मैं थोड़ा मतलब अमीर हो जाऊं, और मुझे सिर्फ धन ही धन चाहिए. उन बालक ने कहा कि आप ये मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? फिर राजा ने कहा, जी हाँ. उन्होंने वह धन उनको दे दिया. फिर दूसरे बालक ने कहा कि मुझे थोड़ी सुविधाएं जैसे बंगलो, गाड़ी घोड़े आदि चाहिए. उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये दे सकते हैं? फिर राजा ने कहा, जी हाँ. उन्होंने उसी समय उसको सारी सुविधाएं और ऐसी चीज़ें दे दी. तीसरे बालक ने कहा, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे कुछ सुविधाएँ चाहिए, मुझे सिर्फ शिक्षा ग्रहण करनी है. हमारी घर के हालत को देख के मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे सिर्फ अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है. यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाने का आदेश दिया. और फिर बच्चा जब वो शिक्षा प्राप्त कर लिया, फिर वो एक बड़ा विद्वान बना. और फिर राजा ने उनसे पूछा कि आप हमारे मंत्री बन सकते हैं? फिर उस बच्चे बालक ने कहा, जी हाँ, हम आपके मंत्री बन सकते हैं. और फिर राजा ने कहा कि अब मैं आपके दोनों दोस्तों की स्थितियाँ भी देखना चाहता हूँ कि इस समय आप उन दोनों बच्चों की क्या स्थिति है. उस बालक ने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया और वे दोनों दोस्त राजा के सामने आते ही रोने लगे. उन्होंने कहा कि जिस समय हमने आपसे धन और सुविधाएँ मांगी, उस कारण हम बहुत ज़्यादा आलसी हो गए. हमने ना कोई धन प्राप्त करा, ना हम बहुत ज़्यादा आलस हो गए, इसलिए हमने कोई काम भी नहीं करा, ना हमने कोई धन इकट्ठा करा. इस बाढ़ में मेरा बंगला डूब गया, हमारा धन चोरी हो गया. ऐसी बातें राजा को बताकर वह रोने लगे. राजा ने कहा कि अब रोने का क्या फ़ायदा, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए. धन सिर्फ थोड़े दिनों तक ही अपना हमारे पास रह सकता है, लेकिन शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है, और ना ही वो उसे कोई चुरा सकता है. इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण अच्छे से करनी चाहिए, धन अपना आप आ जाएगा. लेकिन ये तो थी पहले की बातें. लेकिन अब देखें तो कई इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह अपनी जॉब से निकाले जा रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वह उनकी स्टडी पूरी नहीं थी, उन्होंने स्टडी ढंग से नहीं करी. उसका मतलब ये है उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं थी, वह समय के अनुसार खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है. इसलिए हमको समय के अनुसार अपग्रेड करना चाहिए खुद को. हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए और स्टडी तो होनी ही चाहिए. इस शिक्षा से, इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में रखना चाहिए, और हमें समय के अनुसार अपग्रेड होता रहना चाहिए, और हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी सी. थैंक यू.